चिंटू क्या कर रहे हो? हाँ? ओके, सो रहे हो क्या? गर्मी लग रहा है। और ये है मंटू। मंटू मंटू मंटू, क्या खा रहे हो? ओ, बिस्किट खा रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। आज थोड़ा सुबह उठने में मुझे लेट हो गया, और लेट होने के बाद मैं थोड़ा सुबह ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाया। बाकी थोड़ा ऑफिशियल वर्क भी था, ऑफिशियल काम खत्म होने के बाद थोड़ा पेशेंट भी देखना था, और पेशेंट देखने के बाद मैं घर लौटा। तो अभी जो टाइम है 1 बज गया है, मैं नहा भी लिया हूँ। बाकी थोड़ा लंच करेंगे, लंच के बाद आपके साथ जुड़े रहेंगे डेली एक्टिविटीज के साथ। कहाँ पे निकालेंगे? यहाँ पे या यहाँ पे? स्पून है इसमें? ये वाला अचार, ये वाला तो पिक लेना, मेरा सबसे फेवरेट है, तो जानते हो कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। आलू है? आलू भी है क्या? आलू है, बीन्स है, परवल है। हम लोग का लंच फिनिश हो चुका है, और सबसे लास्ट पार्ट जो हम रोज करते हैं, अभी ये मैंगो के सीजन में लंच खत्म, और उसके बाद हम लोग मैंगो खाते हैं। और मैंगो खाने में ये इसको खाने में ज्यादा मजा नहीं लगता, ये वाला खाने में ज्यादा मजा नहीं आता है, लेकिन ये गुटली खाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मुझे तो अच्छा लगता है, कुछ बेकार नहीं है। ऑफ कैमरा खाते हो, मुझे ये पता है। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. अभी हम लोग इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, और आज काफी लेट हो चुका है, तो अभी गाड़ी से जाएंगे क्योंकि लेट हो चुका है, और इवनिंग वॉक करके फिर से गाड़ी में वापस आ जाएंगे। स्लो 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 स्लो, थोड़ा स्लो। चलो ठीक है, चलो स्लो स्लो। अभी इवनिंग स्नैक्स हो चुका है, अब थोड़ा पढ़ाई करेंगे। बाकी कुछ टाइम मिल गया आज पढ़ाई करने के लिए, थोड़ा पढ़ाई करें। एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज एक पेशेंट आया था, गायनिक पेशेंट। 5 दिन पहले उसका डिलीवरी हुआ था। बाकी वो जो पेशेंट आज रिसीव हुआ, वो थोड़ा अनकंशियस था, तो हम सोचे कि उसको रेफर करें हेयर सेंटर, क्योंकि वहाँ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, जैसे कि सिटी स्कैन हो सकता है, कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। मगर सबसे अजीब चीज़ ये है कि वो उसका जो हस्बैंड है वो जाना ही नहीं चाहता था। बहुत बार पूछा तो क्यों नहीं जाना चाहते हो? 4-5 बार ऐसे पूछने से वो बोला कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँ, आप जो भी करें यहाँ कर दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा कि मैं सोच रहा था कि हमारे देश में ऐसे भी कई लोग हैं जो ट्रीटमेंट के लिए वो उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए भी तो पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट के बाद छोड़ो। तो लिटिल बिट आई सपोर्टेड हिम फाइनेंशियली, एंड एट लास्ट ही वाज एग्रीड टू गो टू द हेयर सेंटर। होप कि शी विल गेट बेटर वेरी सून। मैं ये बात आपके साथ इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी हमें कोई ज़रूरत में कुछ मांगना चाहता है कि नहीं मांग पाता है, वो सिचुएशन की देखते हुए नहीं मांग पाता है, तो हमें उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको
जितने हो सके थोड़ा हेल्प करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल आपको भी हेल्प करना जरूरत पड़ जाए। आज थोड़ा पढ़ाई करेंगे, बाकी पढ़ाई करने के बाद डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो फिर मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive.